और बता यार कैसी है? मैं ठीक हूँ। वैसे तेरी बहन वो छोटी नहीं दिख रही, वो कहाँ है? क्या बताऊँ यार, आ रही होगी उन दो नमूनों के साथ। कितनी बार मना किया मैंने उसे कि उन दो कार्टूनों के साथ मत रखा, पर मेरी सुनती ही नहीं है। खैर वो सब छोड़, ये बता फेयरवेल होगी या नहीं होगी? हाँ यार, फेयरवेल का तो अता पता ही नहीं है। और वही लड़कियों का मेला लगा हुआ है, क्या बातें हो रही है, मेरे बारे में बातें कर रही होगी। अच्छा जी, तेरे बारे में बात करेंगे हम, इतना फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। अरे इसको छोड़, हम ये बात कर रहे थे कि फेयरवेल होगी या नहीं होगी। क्या फेयरवेल नहीं होगा? क्या फेयरवेल नहीं होगा? मैं दुनिया हिला के रख दूंगा, इससे कैसे नहीं होगा फेयरवेल। हाँ यार, ऐसे कैसे फेयरवेल नहीं होगा, हमने भी तो दूसरे क्लास के बच्चों को फेयरवेल दी थी। मैं स्कूल हिला के रख दूंगा फेयरवेल नहीं होगा तो। ये क्या सुन रहा हूँ मैं, फेयरवेल? ऐसे कैसे नहीं होगा फेयरवेल? फेयरवेल चाहिए, फेयरवेल चाहिए, फेयरवेल चाहिए, फेयरवेल चाहिए, फेयरवेल चाहिए। अबे बस करो, फेयरवेल चाहिए, फेयरवेल चाहिए। यहाँ पे मोर्चा करने से कुछ नहीं होगा, अंदर टीचर से पूछते हैं कि फेयरवेल का क्या सीन है, क्या मजा है। चलो चलो। ओम भूर्भुव स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अच्छा मैडम जी, अब ये बताओ कि हमें फेयरवेल कब दे रहे हो? देखो बच्चों, इस बार तो तुम्हारा फेयरवेल बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमारे स्कूल का बजट भी हिला हुआ है और तुम लोग भी हिले हुए हो। मतलब कोविड के चलते फेयरवेल नहीं होगा। अरे मैम देखिए, अगर इतना ही है ना तो पिछले साल जो हमने फेयरवेल की फीस दी थी वो वापस करो। वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। मैडम बच्चों का फेयरवेल करा दो ना, आपके स्कूल में हर कोई सुनता है। ये प्रिंसिपल क्या चीज है, आपको वेस्टर्न ड्रेस में देखने का मौका रोजो थोड़ी मिलता है। क्या बोला आपने? अरे मैंने बोला बच्चे हमारे लिए गिफ्ट भी तो लाएंगे। हाँ ये सही बोला आपने। अच्छा बच्चों सुनो, मैं प्रिंसिपल सर से बात करने जा रही हूँ कि इस बार फेयरवेल होगा या नहीं, तो तुम लोग शांत है ना, ठीक है? ओके मैम। यार अगर फेयरवेल नहीं हुआ तो? चुप करो और चुप चुप बोलो, कुछ तो अच्छा ही होगा यार। देखो भाई, चुप चुप बोलने से सब अच्छा होता तो अब तक मैं प्रेसिडेंट बन जाती, तुम्हें पढ़ाई नहीं कर रही होती। अच्छा अच्छा बच्चों सुनो सुनो, मैंने प्रिंसिपल सर से बात की थी और उन्होंने साफ साफ ये बोल दिया कि इस बार फेयरवेल जरूर होगा। अच्छा 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 सुनो सुनो शांत, अच्छे से तैयार होकर आना, साफ सुथरे रहना और शैतानी तो बिल्कुल नहीं चलेगी, ठीक है? हमारे लिए गिफ्ट जरूर लाना। वैसे यार तेरी वो बहन छोटी गाय दिख नहीं रही। क्या बताऊं यार, खुद को रूम में लॉक करके बैठी है, बोल रही है अच्छे से मेकअप करूंगी, बिल्कुल बवाल बन के बाहर आऊंगी, अब पता नहीं क्या ही बन के आएगी।
अरे अदिति तो ऐसे ही सुंदर लग रही है, उसको मेकअप की क्या जरूरत। अरे भाई अदिति ना बिना मेकअप के चिंकांडी ही लगती है, लेकिन आज मेकअप है ना तो कुछ कह नहीं सकते। भाई मैं इसको मारूंगा, मारू मारू, पकड़ मुझे, पकड़ना अच्छे से, आ जा तू। नहीं 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 ना मैडम, आज तो आप ना एकदम बवाल लग रहे हो। क्या? मैंने कहा बहुत सुंदर लग रहे हो आज। थैंक यू। एक सेल्फी ले ले, फेसबुक पे स्टेटस में डालूंगा। ठीक है। स्माइल। कितनी प्यारी लग रही हूँ। सब ना मेरे मेकअप देख के पागल हो जाएंगे, इतनी सुंदर लग रही हूँ। पहली बार मैंने खुद से मेकअप किया है, ओफो, सबकी तो होश ही उड़ा दूंगी आज। चलती हूँ, सब लोग मेरा वेट कर रहे होंगे। अरे देखो देखो ये कौन आ रहा है। अरे सर आपने पार्टी के लिए जोकर भी बुला रखा है, क्या बात है। अबे नहीं, मैंने तो नहीं बुलाया इसे। अबे पागल, आदिति आदिति। अरे आदिति तू तो मेकअप के बाद और भी ज्यादा नमूनी लग रही है, आज तो तूने पर हद ही पार कर दी। क्या बोला तू, मेरी छोटी बहन चिमकांडी लग रही है। इतनी बुरी लग रही थी। क्या हुआ मेरे छोटे डॉन को, आज इतना रो क्यों रहा है, वो भी इन छोटे लोगों के सामने। देखा नहीं बड़े उन लोगों ने मेरी कैसे बेइज्जती करी, क्या मैं इतनी बुरी लग रही हूँ, क्या मैंने इतना बुरा मेकअप किया है। नहीं छोटी, तू बहुत सुंदर लग रही है, तू बहुत प्यारी लग रही है, वो लोग चिढ़ते हैं तेरी खूबसूरती से। पर जो भी है मैं उन लोगों के आगे फिर से नहीं जाऊंगी। नहीं छोटी, तू उन लोगों के सामने जाएगी पर ऐसे नहीं जाएगी। तो मैं कैसे जाऊंगी। ऐसे, ये ले, हो गई तू सुंदर, अब चल। नहीं मेरे को नहीं जाना बड़ी, मैं नहीं जाऊंगी। छोटी तू सुंदर लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है, चल। नहीं मेरे को डर लग रहा है, मैं अभी भी बुरी लग रही हूँ, बग्गा मुझे नहीं जाना। मैंने बोला ना चल, चल मेरे साथ। नहीं जाना बड़ी, मुझे नहीं जाना, नहीं जाना। अरे ये कौन है। अरे पागल, वो अदिति है। अच्छा, अरे ये तो काफी अच्छी लग रही है। चल छोटी डांस करने चलते हैं। हाँ बड़ी, चल चल डांस करने चलते हैं। मैडम चलो आप कपड़ा डांस करते हैं। हाँ वैसे भी कोई पूछने तो आया नहीं, चलो आप ही के साथ चलते हैं। पर हाँ भंगड़ा ही करेंगे, लक तुड़ु तुड़ु। बिल्कुल भंगड़ा करेंगे जी, आओ ना। डांस करने चलोगे मेरे साथ? हाँ जरूर। अदिति मेरे साथ डांस करेगी? तुम्हारे साथ डांस? भाग आ जा, तो करेगा चल। हाँ,
प्रियंका मेरे साथ डांस करोगी? चल ठीक है कर लेती हूँ, लेकिन फेयरवेल के बाद मुझे छोले भटूरे खिलाएगा? ठीक है। मैं क्या कह रही थी, मेरे साथ डांस करोगी? कपल मेरे साथ चलो ना। हाँ ठीक है चल लेते, पकड़ो मेरा हाथ खींचो। मेरे हाथ में जितनी भी पर्ची हैं उसमें जिसका भी नाम निकला वो अपने कपल के साथ या तो करेगा डांस और या करेगा रैंप वॉक, हमें करेगा इम्प्रेस। तो स्टार्ट करें गेम। पहला नाम है चिमकांडा और पिंक पैंथर। अच्छा अब अगला है टाइगर जिंदा है और पापी गुड़िया मर गई। सारा दिन घूमते में बंद गुड़िया सी अखियों में खुलती है। अगला है चिकनी चमेली और शतरमुर्ग। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो बहन बहन और फेयरवेल? बढ़िया लगी ना? ऐसी अच्छी लगेगी वीडियो, देखो ना यार वीडियो देख नहीं रहे हो, व्यूज आ नहीं रहे, आ जाएंगे मुझे पता है। ठीक है तो मैं आगे की बात करती हूँ। मेरा इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और मेरा दूसरा चैनल भी बन गया अदिति शर्मा शॉर्ट्स है और अब उस पर 50-60 हज़ार हो गए। तो मिलती हूँ मैं जल्दी एक प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।